जिसने भारत माता को डाइन कहा उसके बयान पर प्रतिक्रिया दिया जाए उचित नहीं। गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के करनैलगंज में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश तो दिए, लेकिन जब मीडिया से बातचीत का समय आया तो वो कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आए। बीजेपी सांसद ने गुलाम नबी के सेना पर आतंकियों से ज्यादा सिविलियंस को मारे जाने के बयान पर भी गुस्सा दिखाया, साथ ही सेना के शहीद जवान औरंगजेब के घर उनके दौरे को ढोंग भी बताया। कांग्रेस हमेशा यही भाषा हाथ पैर, कभी सेना के ऊपर सवाल उठाना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, कभी इनकाउंटर पर सवाल उठाना, और उसके बाद जिस तरीके से सैफुद्दीन सरोज और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने के वक्तव्य आए हैं, इस पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, कम से कम सोनिया जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, राहुल जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, और हम जानते हैं वो स्पष्ट नहीं करेंगे। वोट के लिए वो कितना गिर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए कितना गिर सकती है इसकी कोई सीमा नहीं, और तो और ये तक कह डाला कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों को पैदा करती है। ये उनको सेना से नहीं मतलब है, सेना के लिए मानवाधिकार नहीं है, सिपाही के लिए मानवाधिकार नहीं है, उनका सारा मानवाधिकार जो है आतंकवादियों के लिए। क्या साफ तौर पर माना जाए कि कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है, पैदा करती है कांग्रेस, और क्या, किसको, आतंकवादी पैदा करती है, ये समस्या किसकी देन है, समस्या कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया और बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद के पीछे छिपने वाले उनके बयान पर उन्हें घेरा। ओवैसी जी का अपना एक तरीका है, लेकिन ओवैसी जी देश के लिए जितना खतरनाक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो खुला एजेंडा है, जितना कांग्रेस कर रही है, जितना दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, जितना कांग्रेस कर रही है। बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर विवादित बयान दे चुके हैं, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गोंडा।